नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और मैं पी वीरामणि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट एमसी मेंबर हूँ जो यहाँ पर मासाब टैंक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मासाब टैंक ब्रांच में डेली ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो फैल चुका है 15-16 दिन से पूरा बंद है पूरा जो लॉकडाउन में पूरे लोग रह चुके हैं ऐसा गरीब लोगों के लिए हमारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो ब्रांच ने डेली जो मंडे से मतलब 13 मार्च से लेके आज तक पूरे डेली 2 से 3 क्विंटल चावल डेली पका के जो गरीब लोगों के लिए जो खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा ऐसे लोगों के लिए जो यूपी के बिहार के जो पूरे लोग लॉकडाउन में हैं और बाहर जो उन लोगों को नहीं जा सक रहे ऐसे लोगों के लिए डेली हम लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एमआरओ जो हैदराबाद में 16 मंडल ऑफिस है उसमें पूरे एमआरओ के थ्रू से हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आज भी थोड़े लोग जीएचएमसी भी से भी आ चुके हैं आज फूड होने के फूड लेके जाने के लिए ऐसा पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 क्विंटल चावल डेली पक रहे हैं हमारे पास ये है कि हमारा जो गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना स्टेट जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है जो हमारा जिला कलेक्टर मैडम जी ने हमारे उनके कहने से हम लोग डेली फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के जो चेयरमैन है मामड़ी भीम रेड्डी सर है हमारे इनके अंडर में ये पूरा फूड प्रोवाइड डेली कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे लोगों को ये कोविड-19 आने से पूरा पब्लिक में जो लॉकडाउन में रह चुके हैं इन लोगों के लिए बहुत परेशानी उठा रहे ऐसे लोगों के लिए हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी जो आगे रहती है हमेशा हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे जो चेयरमैन साहब आए जब से पूरा हैदराबाद में हर बस्ती में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में मालूम हो चुका है मैं ओल्ड सिटी में रहती हूँ और ओल्ड सिटी के लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि पहले रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है लेकिन अब पूरे लोगों को मालूम है जो ऐसा वक्त में ऐसा मुसीबत में भी जो रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है बहुत खुशी की बात है मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में वर्क कर रही हूँ मेरे दिल को मेरे को बहुत खुशी लग रही है कि मैं अप्रिशिएट कर ले रही हूँ मेरे को जे हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी का पूरा टीम है यहाँ पर वॉलेंटियर की तरफ से डेली कर रहे वो सारे लोग हैं यहाँ पर जो हमारे एक सिकंदराबाद के हैं और एमसी मेंबर है विनय किशोर साहब है और जो हमारे वॉलेंटियर्स है पूरे हमारे पूरे डेली ये मुनीर भाई है उन्होंने भी मंडल कन्वीनर है और किरण यादव है अंबरपेट कन्वीनर है पूरे लोग यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे लोग ऐसे आके डेली हम लोग करते बोल के आ गया रहे मेरे से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं ये मीडिया के द्वारा से जो भी आप लोग देख रहे मेरे से एक ही निवेदन है कि पूरे लोग अगर कोई भी खाना खिलाना चाह रहे गरीबों को कुछ मदद करना चाह रहे तो रेड क्रॉस सोसाइटी को करिए कि कोई भी अगर प्रोविजंस के हिसाब से आप चावल देना चाह रहे कुछ दाल देना चाह रहे कुछ तेल देना चाह रहे तो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी को आके मासाब टैंक पे है हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी और मेरा नंबर है अगर मेरा नंबर लेके अगर मेरे से थ्रू से भी यहाँ पे आके दे सकते हैं मेरा नंबर है 9573956621 है हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी को आप प्रोविजन दे के यहाँ पे खाना बनाते हुए लेके जाके आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ये भी आपका एक अच्छा एक मौका हमारे रेड क्रॉस से दे रहे हैं तो सलाम वालेकुम सभी को और मैं अल्लाह हाफिज़ और एक बार मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ पूरे मीडिया देखने वालों को और आप मदद करिए आगे आके शुक्रिया गुड इवनिंग एवरीबडी दिस इज़ बालाजी फ्रॉम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आई एम द यूथ कन्वीनर ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट and also a first aid trainer for Hyderabad district. I am a trainer. Now today we have a very confusing problem called corona. We don't know where it starts, where it ends. We don't know who will get, how they will get. So we have to take all precautions. The only thing for this is, the only medicine for this is, prevention is better than cure. Since there is no cure, we have to prevent. To prevent, we have to stay at home. बरखुरदार ये सोचिए आप आज तक गवर्नमेंट क्या किया या उन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया ये मत सोचिए आप ये सोचिए कि अभी आप क्या करने वाले हो आपके सोसाइटी को आपके जो काम को क्या करने वाले हो व्हेन यू थिंक लाइक दिस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टे होम एंड यू आर गोइंग टू सेव यूर फैमिली लीव अलोन एवरीबडी यू सेव यूर सेल्फ यू सेव योर फैमिली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू एज ए warriors are as a service provider, as a facilitators from the Hyderabad districts. We are a team of 60 people trying to work around day and night and try to provide certain relief as per the governor's instructions and as per the directions of Mandal revenue officers of the 16 mandals of Hyderabad district. Every day, Mandal officers will come or we will go to their offices. We will try to get their requirement.
who are the people who are real needy. We are not giving to any Tom, Dick and Harry, but we Mandal officers are identifying the needy people, that is the people who came from outside, jo bahar se aaye hain wo log, and also trying to work out with them what is their problem, where they are not getting. Every day a team is finding out what is happening and what is not happening, and now we are going to cater to them. Every day 50 to 100 packets per month, per day we are giving to each and every mandal, and that's what is our goal too. We want to see nobody is hungry, nobody is angry too. So in this crisis situations, we need a lot of help. One help is your support to us physically, mentally, morally, and also financially. And also we all request you to stay at home, stay away, keep a distance. And we should thank all the MCH authorities who are working day in and day out on the streets, the journalists, the police, and all these people are risking their lives to do. So your only requirement is please stay calm, please stay at home. Sabzi lene bhi jao, thoda sambhal ke jao. This is our message. Request you all to maintain distance. Let's all be happy. Let's all be healthy. Let's drive away Corona. Thank you. Jai Hind.